अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अपने मिनी ब्लॉग में मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ। तो कराची में फ़ाइनली बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और इसीलिए हम सब बहुत खुश हैं। तो हमने सोचा क्यों ना बारिश का मौसम हो और पकोड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा चले आए पकोड़े बनाते हैं। एज़ यूजुअल मेरी मम्मा ने बोला, बेटा जाओ किचन में, सारा सामान पड़ा हुआ है, जो दिल चाह रहा है करो और हमें भी खिलाओ। तो फिर मैंने जो है सबसे पहले बेसन ले लिया, उसके अंदर साबित जीरा, साबित धनिया, पीसी हुई लाल मिर्च, बेकिंग सोडा और नमक डाल के उसका एक मिक्सचर बना लिया। और सबसे पहले जो है मैंने आलू के पकोड़े फ्राई किए, दैन उसके बाद मैंने पकोड़े प्याज वाले पकोड़े फ्राई किए, साथ साथ पकोड़े भी फ्राई हो रहे थे। और एक तरफ मैंने जो है चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम का टाइम था, चाय तो लाजमी चाहिए होती है और गैस भी नहीं आ रही थी कराची में। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ही गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तो गैस बिल्कुल भी नहीं आती सुबह से शाम तक, तो हम सिलेंडर या फिर जो है मशीन यूज़ करते हैं। तो जो मिक्सचर बच गया था आलू के पकोड़े फ्राई करने के बाद, उसी के अंदर मैंने ये सारा प्याज वगैरह डाल के और प्याज के पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे। सारे पकोड़ों को फ्राई करने के बाद ऊपर से मैंने जो है इसके ऊपर ढेर सारा चाट का मसाला डाल दिया और ये इतने यम्मी पकोड़े बने थे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।